हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें वीडियो में है कि हम कार को इजीली कैसे रिवर्स कर सकते हैं और कैसे हम रिवर्स करना सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम रिवर्स करेंगे और जैसे स्टेयरिंग को कैसे रिवर्स करते हैं वो भी, मतलब किधर को रिवर्स करते वक्त स्टेयरिंग को किधर को टर्न करना है, तो गाड़ी किधर जाएगी, और किधर को टर्न करेंगे तो गाड़ी दूसरी तरफ कैसे जाएगी। सेट रिवर्स करेंगे कार को अब, और इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमें कार लेफ्ट को टर्न करनी है तो स्टेयरिंग को हम किधर को टर्न करेंगे, और राइट को टर्न करनी है तो हम स्टेयरिंग को किधर को टर्न करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम कार के स्टेयरिंग को लेफ्ट की तरफ को टर्न करेंगे और हमारी कार लेफ्ट की तरफ को ही जाएगी। देख लीजिए, तो दोस्तों आपने अभी देखा कि गाड़ी हमने लेफ्ट को टर्न करी और स्टेयरिंग लेफ्ट की तरफ को टर्न था, तो ये कार भी लेफ्ट की तरफ को ही रिवर्स में हुई। और अब हम देखेंगे कि राइट को टर्न करने के बाद में कार राइट की तरफ को ही रिवर्स होगी, तो इसी वजह से हमें स्टेयरिंग को, इसी चीज़ को देखना है कि हमारी कार किधर को टर्न हो रही है। फिर देखना है कि हमारी कार को जब हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने साइड मिरर जो होते हैं हमारे, वो अपने सीट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने होते हैं। और जैसे ये वाला है इधर, इधर वाला भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों मिरर हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। ये हमारा यहाँ से होता है, ये हमारे यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ये इधर उधर को, मतलब लेफ्ट और राइट हो जाते हैं दोनों तरफ से। और ये हमारे जो साइड मिरर हैं ये हमारे एडजस्ट हो गए हमारी सीट के हिसाब से। और फिर हम देखेंगे कि हमें स्टेयरिंग को कितना टर्न करना है लेफ्ट और राइट की तरफ को, इन दोनों मिरर में चेक करके कि हमारी गाड़ी कितनी कितनी टर्न करनी पड़ेगी हमें गाड़ी बैक करने के लिए। देख लीजिए, देखो हमारी ये डिवाइडर के साइड में कार चल रही है और हम ये मिरर में दिखा रहे हैं, हम बैक कर रहे हैं कार को, देख लीजिए। और ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस ले कर चल रही है, इक्वली बिल्कुल, देख लीजिए। और इसमें हमने, अगर हमें थोड़ा ये राइट की तरफ को अंदर करनी है तो हम इसको, देख लीजिए, हमने अभी मिरर डाउन कर लिया है और राइट की तरफ को हमें अंदर करनी है, तो देख लीजिए ये बिल्कुल डिवाइडर की तरफ जा रही है, बिल्कुल डिवाइडर की तरफ जा रही है, देख लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल डिवाइडर की तरफ जा रही है। थोड़ा ही गैप रह गया, बिल्कुल डिवाइडर की तरफ, और ये गैप कम हो गया डिवाइडर की तरफ। ये सब हमने साइड मिरर में देख के करा। तो कार को रिवर्स करने में सबसे पहले हमें अपनी सीट्स एडजस्ट करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें साइड मिरर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमें जब भी अपनी कार को रिवर्स करना है, और एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, जब हम अपनी कार को रिवर्स करेंगे तो अगर हम लेफ्ट की तरफ को स्टेयरिंग टर्न करेंगे तो कार रिवर्स में भी लेफ्ट की तरफ को ही जाएगी, और स्टेयरिंग को राइट हैंड साइड की तरफ को टर्न करेंगे तो कार राइट की तरफ को जाएगी। सबसे मेन पॉइंट ये है इसके। और इसके बाद में हमें सबसे, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है हमें, सबसे पहले अपने हाइट और सीट अकॉर्डिंग जो साइड मिरर होते हैं वो एडजस्ट करने होते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें पीछे देखना नहीं पड़ता। और अगर कैमरा लगा हुआ है तो बेस्ट है, और उसमें कैमरे में आ जाती है लोकेशन, किधर को स्टेयरिंग टर्न करना है, किधर को नहीं करना। और इसमें सबसे बेस्ट है जो हमारा है, ये सबसे बेस्ट है, साइड मिरर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये हमें बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, इनमें सही दिखता है बिल्कुल। और हम कार को ऐसे ही बैक करना, मतलब रिवर्स करना आराम से इजीली सीख सकते हैं। इससे पता लग जाएगा हमें कार हमारी कितनी गैप है पीछे, कितनी जगह है साइड में, दूसरी कार में तो नहीं टच हो जाएगी अगर कोई कार खड़ी है, ये सब चीज़ हमें साइड मिरर में दिख जाती हैं। देख लीजिए, जो ये बाइक वाले जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं हमें, देखो। तो मेन चीज़ है हमें कार में देखने के लिए साइड मिरर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इनको प्लीज़ इनको देख कर ही गाड़ी को रिवर्स भी करें और गाड़ी को चलाएं भी। और देख लीजिए दोस्तों, हमें एडजस्ट कैसे करने हैं, देख लीजिए। जब हमें सबसे पहले एडजस्ट करने के लिए, इसमें राइट हैंड साइड ड्राइवर साइड में एक बटन होते हैं राइट और लेफ्ट के, इसमें जब हमें अपनी कार को, कार का राइट हैंड साइड वाला जो बैक मिरर है वो एडजस्ट करना है तो हमें इसको राइट हैंड साइड करना है, और हमारी कार का लेफ्ट हैंड साइड मिरर है उसको एडजस्ट करना है तो ये करना है हमें इधर, और बीच में ये, बीच में कुछ नहीं होता, बीच में ये सिंपल, मतलब नॉर्मल रो है जो रुकी रहती है,
और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमें एडजस्ट करना है, तो अब देखिए हम, और इससे हम एडजस्ट करेंगे, ये बटन होता है, लेफ्ट को करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, साइड में करना है, राइट में, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये चीज़ है इसमें, अभी देख लेंगे हम, देख लीजिए। अब मैं इसको अपने मिरर को बाहर की तरफ कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये देखो ये घूम गया, और इसको हम अंदर की तरफ को कर रहा हूँ, ये देखिए ये घूम गया, ये एडजस्ट हो गया बिल्कुल, देखो कार दिख रही है, और इसको अंदर को और करा, ये कार नहीं दिख रही, कार दिख रही है हमारी बस, और अभी देखो बाहर को कर रहा हूँ, ये कार दिख रही है, इसको ऊपर को कर रहे हैं, देखो ये ऊपर का दिख रहा है। और हाँ, अगर हमें बैक करते हुए पीछे देखना है कि नाली या कोई मतलब गड्ढा वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम इतना देख सकते हैं, हमारी कार के पहिए तक का दिखा सकते हैं साइड मिरर, देख लीजिए, साइड मिरर की बहुत ज़रूरत होती है कार में, तो मैक्सिममली जब भी कार चलाएं तो साइड मिरर को देख के चलाएं। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।